आ गई आप? हाँ, जल्दी से एक कप चाय बना दो, सर बहुत दुख रहा है। अभी लाई। उस पागल आदमी ने तो सारा दिन खराब कर दिया। हाँ? कौन पागल? किसके लिए पागल? आपके लिए? कितनी अच्छी खबर सुना दी बीबी जी। बीबी जी फौरन शादी कर लीजिए, फौरन। ये जवानी बड़ी जालिम होती है, अकेले काटे नहीं कटते। हाय रूनी, मैं सच कह रही हूँ बीबी जी, मुझे तो 3 का तजुर्बा है। चौथा कमबख्त हाथ से निकल गया, वरना आज आप तुम्हें इन फालतू बातों के साथ और कुछ नहीं आता क्या? हरी के साथ मेरी शादी कराती रहती है, जा चाय लेकर आओ। लाती हूँ बीबी जी। बीबी जी चाय की पत्ती नहीं है। क्यों, सुबह वो पूरी सामान की लिस्ट दे गई थी, लाई क्यों नहीं? लाने को गई थी बीबी जी, लेकिन वो कागज का टुकड़ा पता नहीं कहाँ गुम हो गया। किसी के हाथ दिया था? किसके हाथ दिया था? ये मेरे हाथ में दिया था। हुआ यूं कि आपकी ये जूनी देवी सुबह सामान की लिस्ट मेरे यहाँ छोड़ गई थी। और अपना तो काम ही है होटलों क्लबों को माल सप्लाई करना, तो आपके यहाँ भी पहुँचा दिया। थैंक यू। मिल गई चाय की पत्ती। चाय की पत्ती नहीं, साबुन है, ये लो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कमल, अगर तुम जैसे दोस्त और पड़ोसी ना होते तो मैं यहाँ कैसे रहती? मैं भी यही सोचता हूँ, अगर तुम जैसे दोस्त और पड़ोसी ना होते तो मैं यहाँ कभी नहीं रहता। मजाक नहीं कमल, कभी कभी तो अपने अकेलेपन से मुझे बहुत डर लगता है। तुम अकेली कहाँ हो? तुम कभी अकेली नहीं रही। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ तो चाचा जी जैसे बहादुर आदमी का आशीर्वाद है, जिसने अपने देश की रक्षा के लिए जान तक कुर्बान कर दी। फिर ऐसे बहादुर आदमी की बेटी डर कैसे सकती है? तुम जब ऐसी बातें करते हो तो एक बार फिर मुसीबतों से आंखें मिलाने की हिम्मत आ जाती है मुझे। आउच! क्या हुआ? मेरी आंख, पता नहीं क्या चला गया। अरे इस मुसीबत से आंखें मिलाने को किसने कहा था? अरे नहीं नहीं मालूम मत, ला मुझे दिखाओ। दिखाओ देखो। कुछ करो ना। हाँ। निकल गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सोना एक बात कहो। हाँ कहो। तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगी? नहीं, तुम्हें हमेशा की तरह बिल्कुल सही समझूंगी। मैं कह रहा था कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं कह रहा था कि तुम शाम को लेक पर आ सकती हो क्या? क्यों? पर्दों के कपड़ों का कुछ ऑर्डर मिला है तो तुम मेरे लिए कलर और कपड़ा सेलेक्ट कर दो तो तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है ना? बस इतनी सी बात के लिए इतनी लंबी फॉर्मेलिटी। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, लेकिन ठीक 5 बजे। अरे कमल के बच्चे, तू इधर खड़ा है यार, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे यार। चल वो सामने एक रेस्टोरेंट है ना, बहुत सारी बातें करनी है। चल विजय तुम वहां चलकर बैठो, मैं अभी 5 मिनट का है। बाद के बच्चे। अब यार बहुत बड़ी खुशखबरी है, पार्टी दे रहा हूँ, पार्टी। चल ना। प्लीज विजय, मेरे कस्टमर आने वाला है, बहुत बड़ी बिजनेस डील है, वो आता ही होगा। साले कस्टमर का इंतजार कर रहा है। साले साफ साफ क्यों नहीं कहता कि गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है? ठीक है यार जो भी है, मगर तुम इस समय यहाँ से जाओ। अरे कमल इतना नर्वस क्यों हो रहा है यार? देख उसे आने तो दे, मैं ऐसा नक्शा जमाऊंगा, ऐसा नक्शा जमाऊंगा कि वो सीधा मेरी जान, मेरा दिल, मेरा जिगर करके ऐसे गले लगेगी कि वो छोड़ेगी नहीं जिंदगी भर। देखना है ये देख। अरे, अरे, विजय छोड़ो माने कमल अब। विजय क्या कर रहा है, मुझे छोड़ना। क्या कर रहा हूँ यार? अरे अरे नहीं छोड़ूंगा, बोला ना। अरे नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़। हाँ अरे मेरी जान, मेरा दिल। क्या बोल रहा है? मेरा जिगर। क्या बकवास कर रहा है?
वाह वाह, क्या बात है, मेरा सपना, मेरी जान, मेरा लव, मेरा सब कुछ। तुझे क्या बकवास है? हाँ यार, वो देख, वो मेरी लड़की, वो देख, वो शिकारे में। हाँ यार, इसी के लिए तो विजय कुमार सक्सेना इस कश्मीर की वादियों में रोमियो बनके खाक चल रहा था। अरे यार कमल, मैं चलता हूँ, नहीं तो वो फिर से गायब हो जाएगा। तेरी गर्लफ्रेंड को मैं कभी भी मिल सकता हूँ यार, दोस्त। हाँ बाय। हाँ